कंगन कहाँ है? माँ चाय बहुत अच्छी है, पीना। अरे उसे क्या देख रही है, मैं कुछ पूछ रही हूँ। माँ चाय बहुत गर्म है, अच्छी है। ओहो पीना, पटर पटर पटर। क्या हुआ, पसंद नहीं आया डिजाइन? हाँ पुराने फैशन के लगे। नहीं नहीं इसने कहा उतारने के लिए ना? नहीं बहन, मैंने कुछ नहीं कहा। वहां आप ही ने तो कहा था। हाँ वो भी एकदम स्ट्रिक्टली, जैसे कोई हेडमास्टर अपने स्टूडेंट को पनिशमेंट दे रहा हो। पनिशमेंट तो इसको मिलेगी। क्यों उतरवाए कंगन? पता नहीं खानदानी कंगन है, नई नवेली दुल्हन हमेशा पहनी रहती है घर में। माँ आप जो कुछ भी देती हो ना वो सब ये उतरवा के अपने पास रख लेते हैं संभालने के लिए, जैसे कोई पहरेदार हो। हमने ऐसा कुछ नहीं किया माँ, ये ऐसे ही बोल रही है। इसका ब्रेन ग्रेन हो गया है। रात को सोते वक्त बोलती भारी है, काट रहे हैं, हमें दे दिए। अब अरे हम बोल रहे हैं उधर देख रहे हैं, तो क्या है कि पत्नी कुछ देरी पति रखेगा ना, मना तो नहीं करेगा। आजकल की लड़कियां जो है खुद को संभाल पाती, कंगन क्या संभालेंगी, बस ये ऐसा चाहिए। आजकल की लड़कियां तो क्या हुआ, बहुत समझदार है मेरी मुस्कान, पढ़ी लिखी है, खुद को संभाल सकती है, कंगन संभाल सकती है, जरूरत पड़ने पर तुझे भी संभाल सकती है, समझा? वो क्या कहते हैं इंग्लिश में वो डायलॉग है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ माई बहू, मेरी बहू की क्षमता को कम मत समझना। चाय पी, और जब तक मैं वापस आऊँ कंगन उसके हाथों में होनी चाहिए, समझा? हाँ। माँ मैं भी आई। तीरथ, तीरथ मेरे भाई, मेरा तो जी करता है कि ये सब देखने से पहले मैं तीरथ पे चली जाऊं। मेरे भाई मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ, जिसका कोई अता पता नहीं वो इस पिता की इकलौती बहू बन बैठी है, और तू और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डॉली, गायत्री, रौनक सब सब उसकी तरफ हुए जा रहे हैं, ये जाने बगैर ही कि वो एक नाक्षत्र। उंगलियों पे नचा रही है वो, उंगलियों पे इतनी शातिर है वो, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, खड़े खड़े बस देख रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि सब उसकी तरफ हो जाए और मैं अकेला रह जाऊं। ना मेरा भाई कभी अकेला नहीं पड़ सकता, तुम्हारी बहना है ना तुम्हारे साथ, दोनों मिलकर ऐसा कुछ करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मेरा साथ देगी मेरी बहना? हाँ मेरे भाई। तो मेरा एक काम करना। सब तो माँ को बताई दिया ना, प्लान के बारे में बोल देती। हाँ नहीं, एक ही बार सारा किस्सा खत्म, फिर तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते बात कर रहे हो। एक मिनट को अभी बताते हैं। ये लो, लो, लो। ऐसे क्या देख रही हो, खा जाओगी क्या? बॉडी पे शेजवान चटनी लाके आए क्या? नॉन वेज का शौक नहीं रखती मैं। नॉन वेज खाने का शौक नहीं, लेकिन गहने पहन के महारानी बनने का शौक है बहुत। महारानी नहीं, बहुरानी। अब आप ऐसे क्यों देख रहे हो, गुस्से से जला दोगे क्या? हमें भी आग से खेलने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी बहुरानी बनकर रहने का कोई शौक नहीं है। जब डील पूरी होगी तो सारे गहने और इस घर से जो कुछ भी मिला है सब कुछ आप ही के हाथों में थमा कर चली जाऊंगी। कोठे पे रही, जहाँ लोग अपना सब कुछ बेच देते हैं, वहां रहकर भी अपना ईमान बेचना नहीं सीखा मैंने। इतना भरोसा तो आप मुझ पर कर ही सकते हो मिस्टर रौनक सिंह। और वैसे भी क्या कह रहे थे आप कि माँ पूछेगी तो आप संभाल लेंगे, ये संभाला आपने, और कहते हो कि मुझसे गहने नहीं संभलेंगे। सुनो, अपने आप को हमसे कंपेयर मत करो, तुम हम कहां तुम कहां।
एक नाचने वाली। हाँ याद है और हमेशा याद रहेगा। क्या आप बस मुझे वही समझते हैं? पर फिलहाल आप ये नहीं समझ रहे कि कहने छुपाने वाली चीज नहीं होती। मैंने ना कुछ बोला ना कुछ कहा, कंप्लेन नहीं की माँ को, पर माँ खुद ही समझ गई तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अब आप ही सोच लो आपको क्या करना है। माँ की कही बात माननी है या फिर उनकी डांट खानी है? तुम्हें जो करना है करो, ठीक है? हमें खुश रहने दो, बस हमें जो करना हमें करने दो, तुम्हें जो करना तुम करो। प्लीज हुक लगाने में मेरी हेल्प कर दीजिए ना। ये सब नहीं होगा। ठीक है तो फिर मैं माँ के पास जाती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि आपसे नहीं होगा तो वही मेरी मदद कर दे हुक लगाने में। अरे रुको, माँ के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो हम लगा देते हैं। कभी कभी हमें भी अपने साथ लेते चलिए। गायत्री जी, हम तो हमेशा ही आपके साथ हैं, आजकल आप ही अलग रास्ते पे चल रही हैं। तो आइए आप मेरे रास्ते पे, चलिए मुझे शॉपिंग कराने ले चलिए। नेकी और पूछ-पूछ, वैसे भी हमें ऐसा लगता है कि बड़े दिन हो गए हैं आपको खरीदारी किए, इसी बहाने हमें भी आप एक नए रंग रूप में नजर आएंगी। मेरी कोई उम्र है अलग रंग रूप में सजने संवरने की? मैं तो बच्चों के लिए कह रही थी, उनकी उम्र है सजने संवरने की। मैं सोच रही थी जब से बहू आई है मेरी नई पुरानी साड़ी में घूम रही है। मैं उसे कहती हूँ शॉपिंग के लिए तो सीधे मना कर देती है। मैं चाह रही थी उसके लिए कुछ साड़ियाँ खरीद लूँ। चलेंगे आप शॉपिंग करने? आपके लिए मैं चलने को तैयार हूँ, उसके लिए नहीं। क्या हो गया अचानक आपको? अभी तो आप उनके हनीमून की टिकट करवा रहे थे, मुझे लगा आपका मन बदल गया है। ये प्यारी बच्ची है, पढ़ी लिखी है, रौनक को पसंद है, फिर क्या है जो आपको नहीं पसंद? खानदानी लड़की चाहिए थी मुझे, खानदानी, जो कि वो दूर दूर तक नहीं है। बस इतनी सी बात है, इसीलिए ना मैं आपको उसके लिए शॉपिंग करता देख सकूंगा और ना ही उसके लिए शॉपिंग करा सकूंगा। जो लाया है
अगर वो खुश है उसके साथ वो ले जाए। रौनक, क्या बात है सिंह साहब, ताड़ क्यों रहे हमारा नाम? हाँ, सब कुशल मंगल? क्या हुआ माँ, सब ठीक? मैं मुस्कान के लिए कुछ शॉपिंग करना चाह रही थी। ये तो मुझे ले जाने से रहे, तू लेके चलेगा बेटा। कहाँ? शॉपिंग मुस्कान के लिए? आदेश दे कहाँ जाना है, रथ पे बिठा के ले जाएंगे। वैसे भी इनके पास कहाँ टाइम, बड़े लोग हैं, बड़ी डील करते हैं, घर छोड़ के भी बहुत सारी जगह जाना होता है ना इनको। क्यों सिंह साहब, सही कह रहे ना, आपसे जहाँ जाना है तेरा बेटा लेके जाएगा, टेंशन मत ले। अरे राजा बेटा, मैं पर्स लेके आई, तू गाड़ी निकाल।